से मैंने उठाया परेशानी। तो दादा जी परेशानी तो इन बादल में भी है इनमें, तो लेकिन इनसे और ज्यादा परेशानी। मेरी बात सुनो पहले। यार करने की जगह नहीं रे बाबा चलिए और आधारे, यार करने की जगह नहीं रे बाबा चलिए और आधारे। लेकिन हमको परेशानी बहुत है। क्या परेशानी आपको? अरे बागव सू की बगी चौसू के, बागव सू की बगी चौसू के, सू की सब कलावारी यार पे की जगह नहीं रे बाबा चलिए और आधारे। बागव सू की बगी चौसू के, सू की सब कलावारी यार पे की जगह नहीं रे बाबा चलिए। परेशानी और एक बार है। क्या परेशानी है? पीने को पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है? और कोई परेशानी? परेशानी तुम परेशानी समझ पा रहे हो हमारी? अरे हम परेशानी नहीं समझते तो यहाँ पर आपको ठहराते नहीं। यहाँ पे कम से कम रोक के बताइए ठीक ठाक जगह पर रोक के। यहाँ बढ़िया जगह क्या कमी है? या पीने को पानी ना है, बैठने को छाया ना है। अरे रात्रि का समय सही ना खुले क्या? बाबा जी मेरी बात सुनो। Thank you.
इसीलिए भगत जी, अगर ये सूखे बाग हरे भरे हो जाए और कुआं तालाब में पानी आ जाए, अच्छा, तब तो इन बाग में हम रुकेंगे और हम तो लौट के चले जाएंगे अपने घर को। घर को? हाँ, इतनी जल्दी हिम्मत आ गए? हिम्मत ना भगत जी, तुम ही कह रहे कि हमारी माता रानी जो परेशानी हो सभी के दुखों को दूर करती है, सभी के कष्टों का निवारण करती है। ये तो सत्य बात है। हाँ, जब भगत जी हम मानेंगे कि हाँ तुम माता रानी के सच्चे भक्त हो, ठीक है, उन्हें जो सूझ लिया और तुम कोई भगत भगत ना हो। अच्छा, तो आज ध्यान भगत उस भक्तानी की बात सुन करके और उसी बगीचे में धूल लगा के बैठ जाता है और माँ शेरा वाली से अरदास करता है, प्रार्थना करता है, हे माँ, कैसे ये भक्तानी आप तेरे भक्त की पक्षा लेना चाहती है, आज आकर के और मेरी लज्जा रखना। हाँ, कि मैया तेरे भवन में और जे 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 हो, आठ पहर चौसठ घड़ी तो तेरा भवन खाली और सच्चे दरबार की। और ये 70 रुपए पहले और 10 रुपए अब, 20 इनके 90 रुपए आ गए। टुल्लू भैया माता रानी के चरणों में देते हैं, 21 रुपया धन देगी भगवती मैया। अरे तारे भवानी, तारे भवानी तारे भी कनाय, आज मेरी अवला मोहे तारे भी कनाय, तारे भवानी तारे भवानी तारे भी कनाय, आज मेरी अवला मोहे तारे भी कनाय, अरे तारे भवानी तारे भवानी तारे भी कनाय, आज मेरी अवला मोहे तारे
आई मन रंगला पुकार आज देर भाला ताई मन रंगला